सो वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज इस वीडियो में बात करने वाला हूँ बिग बॉस में हुए एलिमिनेशन वाले टास्क पे और इविक्शन के बारे में। तो शुरू करते हैं नॉमिनेशन से। नॉमिनेशन जो हुआ था ना, उसमें एग्जैक्टली देखा जाए तो सभी लोगों को बचाया गया है। जिन जिन लोगों को बचा करके किसी और को नॉमिनेट किया गया, वो सभी लोग डिजर्व करते थे नॉमिनेशन पे आना और घर से बाहर जाना। और सही बताऊं तो ज्यादातर लोगों ने अपने प्यार को, अपनी दोस्ती को बचाया है, अपनी बाउंडिंग को बचाया है, किसी किसी ने अपने प्रॉमिस को बचाया है। तो ये सारी चीज जो है देखने को आई एलिमिनेशन में। लेकिन सबसे ज्यादा बुरा लगा अब्दुल रोजिक के बारे में। और दूसरी बात, उसको नॉमिनेट करना सही भी लगा, क्योंकि वो बंदा जो है इस घर के लायक तो नहीं है। अब इसका मतलब ये नहीं कि वो एंटरटेनिंग नहीं है या फिर वो सही नहीं है। वो बंदा जो है ना बहुत ही स्वीट एंड क्यूट सा है। हो सकता है कि वो इस शो में ऐसा दिख रहा है, रियल लाइफ में कुछ और हो। इसके पीछे का भी रीजन ये है कि वो लैंग्वेज को नहीं समझ पा रहा है। जब हम किसी और जगह पे होते हैं और अपना लैंग्वेज जो है उस जगह से मैच नहीं होती है, तो हम ये सोचते हैं कि जितना अच्छा हो हम बोलें और जितना सही चीज़ें हो उसी बारे में बात करें। क्योंकि अगर मैंने कुछ गलत बोला, कुछ नेगेटिव बोला, उसका मतलब कुछ और निकलेगा और फिर मैं उस चीज़ को समझा नहीं पाऊंगा, क्योंकि मुझे वो लैंग्वेज नहीं आती है। तो ये एक रीज़न है। लेकिन देयर इज अ बिग पॉइंट कि वो सच में इतना स्वीट एंड क्यूट है बंदा कि उस बंदे को जो है इस घर पे तो नहीं रखा जा सकता। क्योंकि यहाँ पे जो लोग हैं वो शो के फॉर्मेट को जानते हैं, वो जीतने के लिए क्या करना है वो भी जानते हैं और किस हद तक जाना है वो जाएंगे भी अपने अपने टाइम पे। और जब ये बंदा, पूरी ऑडियंस जो है ना उनका दिल टूट जाएगा कि उनको एक अच्छा सा फेस देखने को मिलता था, एक अच्छा सा पर्सनालिटी देखने को मिलता था, जो बंदा आ करके सब में पॉजिटिविटी भर करके जाता था। बात करता हूँ साजिद के बारे में। साजिद खान एग्जैक्टली वो देखा जाए तो अपना इमेज वॉश करने के लिए आए हैं इधर पे और वो बहुत अच्छे तरह से कर भी रहे हैं। शो ने उनको मौका भी दे रखा है। अगर अंकित इस घर में नहीं होता या फिर अंकित इस घर से अगर निकल जाए तो अगला टारगेट जो है वो साजिद खान ही होने वाले हैं, अगर बिग बॉस ने उस तरह से शय नहीं दिया तो। क्योंकि अंकित के ऊपर में सबसे ज्यादा इल्जाम लगता है कि वो ज्यादा बोलता नहीं है। अब वो भाई अपने नेचर को कैसे बदल सकता है? इतने टाइम के अंदर में समझ में आ जाता है कौन नकाब पहन के रखा और कौन नकाब नहीं पहना है, तो भाई वो समझ में आ जाता है। पर ये बंदा सच्ची में इतना सुनसुम सा रहता है कि वो बोल ही नहीं पाता है ज्यादा कुछ, इस वजह से वो टारगेट है। साजिद खान का एक चीज मुझे अच्छा लगा, जब अब्दुल रौसिक को यह समझाया कि बटरफ्लाई जो है वो किस लिए लोगों को पसंद आता है। अगर वो अपना एविल अवतार दिखाने पे आ जाए या फिर अगर वो अपना गुस्सा दिखाए तो क्या वो उतनी प्यारी चीज रहेगी? तो अब्दुल रौसिक तू भी वैसा ही है। जब अब्दू जो है इन्फ्लुएंस होने के बाद में और गुस्से में आकर के ये बोला कि अब मैं बताता हूँ कि गेम कैसे खेला जाता है, उस वक्त मुझे एक पल के लिए लगा यार एकदम सही जा रहा बंदा और उसके बाद से ना मजा आएगा। और सच बोलूं तो मजा आएगा भी अगर वो दिखाएगा, लेकिन अब तक जो लोगों ने उसको प्यार दिया है ना, वो प्यार में थोड़ी कमी तो आ जाएगी अगर उसने अपना बैड फेस दिखाया या फिर बैड बनकर दिखाया तो। उस वक्त में साजिद खान ने जो चीज कहा ना बॉस, वो चीज रौजिक के लिए भी सही था और साजिद खान की इमेज के लिए तो बहुत ही दमदार काम किया। उसका कहना था तू क्या कर लेगा, सब बोल रहे थे कि अरे अब वो अपना फेस दिखाने वाला, उनका कहना था अरे यार वो कर क्या लेगा। अब उसका मतलब ये नहीं था कि तू कर क्या सकता है, उसका कहना ये था कि अभी अगर तुमने कुछ किया तो उसके बाद से तुमको मिलेगा क्या? लोग और बैड तरीके से रिएक्ट करेंगे, तुम और ज़्यादा इविलिश हो जाओगे और उस वक्त में जो है बहुत ज़्यादा बुरे फुट रहे होगे तुम। तो उस वक्त में जो उसको संभाला ना बॉस, साजिद की जोड़ी उसके साथ में एकदम सही लगी कि हाँ एक बंदे को सही चिपकाया इसके साथ में। लैंग्वेज बैरियर की वजह से चिपकाया था, लेकिन आज जो है वो बंदा जो है कहीं ना कहीं 50% भी नहीं तो कम से कम 30% 20% तो इन्फ्लुएंस कर जाता है और उसको जो है अपने बातों पे जो है घुमा करके उसको फैसला सुनाता है कि तुम ये बोलो। और रौजिक करता भी है, अब्दू वो चीज़ करता भी है। तो इस हफ्ते जो भी लोगों को नॉमिनेट किया गया ना, उन सभी लोगों को बचाया गया जो घर से बाहर जाने के हकदार थे। उन सबको बचा करके उन सबको सामने लाया गया जो कि स्ट्रांग है बोल करके। अब्दुल रौजिक को भी लाने का रीज़न यही था। अभी लोगों ने कंपटीशन समझ करके नहीं रखा उसको, उसको ये समझ करके रखा कि बहुत क्यूट है, इंडिया इसको प्यार करती है और बचा ही लेगी, तो उस हिसाब से किया। लेकिन इन सब के पीछे में गलत ये हो गया, जो डिजर्विंग थे, मतलब बाहर निकलना वो डिजर्व करते थे, उस घर में रहना बिल्कुल भी नहीं डिजर्व करते थे, उन सबको बचाया गया। अंकित को अगर बोला जाए तो वो भी इस घर में रहने लायक नहीं है, उसको इन सब चीज से पड़े ही नहीं है। वो सोचते हैं कि अपना वेस्ट ऑफ एनर्जी है अगर मैं कुछ बोला तो, जो कि अपने हिसाब से सही है। उल्टा अगर बोला जाए, स्टैंड को लाके रखना चाहिए था सामने, एमसी स्टैंड को घर से बाहर निकाल देना चाहिए, क्योंकि वो बंदा बहुत ही कन्वीनियंट होकर के बोलता है, मतलब जहाँ पे वो सही समझता है, जहाँ पे लगता है कि उसके लिए इजी है या फिर जहाँ पे लगता है कि वो इस चीज़ को जो है सही तरह से हैंडल कर सकता है वहाँ पे बोल लेता है, उसके बाद से सीधा कट लेता है, मतलब वो भीड़ में दिखता ही नहीं है और अलग जा करके बैठ जाता है। उनकी टीम की तिगड़ी बनी हुई है, अब्दुल रौजिक, साजिद खान और एमसी स्टैंड, उसके अलावा भी कोई घुसता है तो वो शिव है। ये इनकी तीन चार जन की जोड़ी है और ये सब एक जगह जाकर के बैठ जाते हैं। आपका क्या कहना है बताओ, अगर अब्दुल रौजिक बाहर जाता है तो उसके पीछे में क्या आपको उन सभी कंटेस्टेंट को दोषी मानोगे या फिर
निकालने के पीछे का अगर कुछ रहा तो आपका रिएक्शन क्या रहेगा कि अगर निकल गया तो क्या होगा। दैट वॉज माई ऑनेस्ट रिएक्शन फॉर दैट एपिसोड। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो, जबरदस्त।